हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम से ना मैं अपने फ़ोन में कुछ ऐसे सेटिंग्स को ढूंढ रहा था जिन्हें फॉलो करके हमारी जो बैटरी है वो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। अभी जनरली जो अभी के बजट सेगमेंट के फ़ोन आते हैं उनमें जो है आपको एक प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलेगा भाई, जो आपको बैटरी का एमएच मिलता है वो तो 4000 4500 एमएच का मिल जाता है भाई, बट जो डिस्प्ले एंड जो प्रोसेसर की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो मिलती है, जिसके चलते जो आपकी बैटरी की बैकअप है वो आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। अब इन सब चीज़ों से हम डिसएग्री भी नहीं हो सकते भाई, बजट सेगमेंट का फ़ोन है तो आपको ये सब चीज़ें तो मिलना ही है। अब कुछ लोगों को इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट अगर आप फिर भी अपनी बैटरी को इनक्रीज़ करना चाहते हो, आप अपने बैटरी को और ज़्यादा सेव करना चाहते हो, तो कुछ सेटिंग्स मैंने ऐसे भी ढूंढ के निकाले जिनकी मदद से आप सच में अपनी बैटरी जो है इनक्रीज़ कर सकते हो। आप देखो, इनसे ज़्यादा कुछ तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप भी जानते हो मैं भी जानते हो, बट इन्हें ऑन ऑफ़ करके जो है ना आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा भाई, आपकी जो बैटरी है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत सेव जरूर होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको वो सेटिंग्स बताता हूं जो मैंने ढूंढ के निकाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, पहली सेटिंग को आपको ऑफ़ करना है, जिसके लिए आपको सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग्स को ऑन करने के बाद जो है आपको जाना है आपके डिवाइस एंड प्राइवेसी में। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपको इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको टॉप पर लिखा मिलेगा फाइंड माई डिवाइस। और ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको कब काम में आता है, जब आपका फ़ोन बाई चांस घूम जाता है या फिर आपको आपका फ़ोन मिल नहीं रहा, तो उस टाइम पर जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ये वाला होता है आपके फोन को ट्रैक करने के लिए। आपके फोन को हमेशा ट्रैक किया जाता है, आपकी जो लोकेशन है वो सेव की जाती है, एंड ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते रहता है भाई डे भर, मतलब 24 आवर्स तक जो है ये प्रोसेस चलते रहता है, आपके फोन को हमेशा ट्रैक किया जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो ना, तो आपकी जो बैटरी सेव होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये फ़ोन का, बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। रात के टाइम पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो भाई, जब आप सोते हो तब आप इसे ऑफ़ कर दीजिए एंड सुबह जो है इसे फिर से ऑन कर दीजिए। आपकी जो बैटरी है वो रात में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत सेव होने लग जाएगी। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप अपनी बैटरी को सेव करना चाहते हो तो ये वाला भी ऑप्शन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, जिससे आप सिंपली यहाँ से ऊपर टच करके ऑफ़ भी कर सकते हो। फिलहाल ये ऑन था अभी तक और मैंने जो है अभी इसे ऑफ करके आपको इसे ऑफ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड ट्रिक के लिए जो है ना आपको जाना पड़ेगा आपके सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको ढूंढना है साउंड एंड वाइब्रेशन। अब देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो आपको फॉलो करना है भाई, अगर आपने उसे ऑन करके रखा है। सच में बता रहा हूँ, इससे जो है ना आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बचेंगी। सबसे पहले जो है ना आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको सिस्टम फीडबैक का जो है एक सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको डायल बैड टोन, लॉक स्क्रीन टोन एंड वाइब्रेट ऑन टच। तो ये तीनों ही ऑप्शन को आप चाहे तो ऑफ कर सकते हो, जैसे कि मैंने दोनों ऑप्शन को ऑन रखा है, डायल पैड टोन एंड लॉक स्क्रीन टोन। अगर आप अपने फ़ोन का वाइब्रेट ऑन टच वाला जो ऑप्शन है वो आप अगर बंद करते हो, उसे ऑफ रखते हो, तो आपकी जो बैटरी है ना वो 101% सेव होगी भैया। अब देखो, इसे ऑन करने से क्या होता है, जैसे जैसे आप अपने बटन्स को टच करोगे यहाँ पे जो है ना हल्का सा वाइब्रेट होगा। देखो, इससे आपका एक ही चीज़ वेस्ट होगी और वो होगी आपकी बैटरी। अगर आप इसे ऑन रखते हो तो ऑन रखने का मतलब ही नहीं बनता है भाई, आप मतलब दिन भर अपने बटन्स को यूज़ करते हो यार, एंड ऐसे में जो है हर बार जैसे जैसे आप बटन्स को यूज़ करोगे वैसे वैसे जो है यहाँ पे आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा, एंड वाइब्रेट होने से जो है आपकी बस एक ही चीज़ की वेस्ट होगी एंड वो होगी आपकी बैटरी। हो सके तो इसे ऑफ़ कर दो भाई अगर आपने ऑन रखा है, एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपके फ़ोन के बैटरी के अगेंस्ट, तो आप जो है इन तीनों ही ऑप्शन को ऑफ कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे भी इनकी आपको कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं होती है, बट जो है आप दोनों ऑप्शन को ऑफ रखिए जो मैं रिकमेंडेड करता हूं, एंड जो आपका जो वाइब्रेट ऑन टच है उसे ऑफ कर दीजिए। उससे ऑफ करने से आपकी जो बैटरी है वो काफी ज्यादा सेव होने लग जाए। सो गाइस, लास्ट एंड फाइनल, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। उसके बाद जो है ना आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद जो है गाइस आपको टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। अब ये वाला ऑप्शन काम कैसे करता है, जैसे आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है
या फिर कोई भी, मतलब समझ लो यार आपको कोई नोटिफिकेशन आया है तो आपका जो फ़ोन है ना वो अपने आप वेक हो जाता है, मतलब ऑन हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा अगर आपको मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सअप का तो भाई डेली का आता है, घंटे में जो है ना आपको मतलब 15-20 व्हाट्सअप के मैसेज आते होंगे या फिर 100-200, जिसके हिसाब से अगर आपको ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो भाई आपका हर मिनट पर जो फ़ोन है ना वो वेक होता है, ऑन होता है। अब इसी के चलते तो आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है भाई। यही ऑप्शन है जो आपकी फ़ोन की बैटरी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है भाई। अब नोटिफिकेशन आ रहा है तो फ़ोन ऑन होने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, वैसे भी हम हमारे फ़ोन को जो है अब 24 घंटे अपने पास ही रखते हैं भाई। एक एक घंटे में तो हम खुद से चेक करते हैं ना कि नोटिफिकेशन कौन सी आई है कौन सी नहीं आई है, तो ऐसे में जो है ना इस ऑप्शन को ऑन रखने का तो कोई भी मतलब नहीं बनता है और कोई सेंस भी नहीं बनता है भाई। अगर आप इसे ऑफ़ रखते हो तो ऑफ रखने से क्या होगा, जब भी कोई आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपका फ़ोन जो है ऑन नहीं होगा एंड वो ऑफ ही रहेगा, एंड उससे क्या होगा भाई जो आपकी बैकग्राउंड में जो बैटरी है वो बचने लगेंगी, ताकि आपका फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा है नोटिफिकेशन आने से एंड वो ऑफ रह रहा है तो आपकी बैटरी सेव होगी। तो घुमा फिरा के यार इतना बताने की मतलब एक ही मेरा मकसद है कि इसे आप ऑफ रखिए ताकि कोई भी आपको बैटरी के अगेंस्ट दिक्कत ना हो और आपकी जो बैटरी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव होने लग जाए, जैसे कि मैंने इसे ऑफ ही रखा था भाई, अब आपके वो दिखाने के लिए ऑन किया था। तो आप जो है ना इन तीनों सेटिंग्स को फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे सेटिंग्स लगे हैं मुझे अब तक के, मतलब मैंने पहले भी बहुत से वीडियोज़ बनाई है बैटरी सेविंग के ऊपर, लेकिन जो ये 3 टिप्स है ना इन्हें अगर आप फॉलो करते हो, जेन्यून टिप्स है भाई, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 101% जो है थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो होपफुली आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है क्या करना, लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फिर से यार एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल पे, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ मैं आपको।